भाई शुक्र की बात मैं आपको बताऊं आज क्या हुआ। जितने भी लॉस सेंटोस में स्किबिडी टॉयलेट मॉन्स्टर का वायरस फैला था वो हमारे पुलिस वाले एंड साइंटिस्ट ने कैद में कर लिया है। देखिए यहाँ पर लिटरली में लोग आए इन सब के सब टॉयलेट मॉन्स्टर्स को देखने के लिए। एक समय पर तो इन लोगों ने हमारा जीना आराम कर दिया था, हम खुद के टॉयलेट यूज़ नहीं कर पा रहे थे, ना ही बाथरूम ना वॉशरूम। शुक्र है ऐ थू 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 ये वाला स्किडी मॉन्स्टर कितना गंदा लग रहा है भाई साहब। गाइस ये सब टॉयलेट मॉन्स्टर शुक्र है इन जालों के अंदर बंद है, हम जल्दी ही बाहर निकलेंगे। क्या ये क्या कह रहा है भाई तू? अरे बाप रे बोल भी सकते हैं। कह रहा है ये तो छोटे छोटे वाले हैं। इसे ओ भाई साहब ये रेड वाला एकदम यूनिक, और तो वो बचेगा नहीं। अरे बाप रे ये तो धमकी देते हैं। और गाइस इस वाले को देखिए कितना गंदा है, अबे तेरे को मार दूंगा। गाइस इधर एक और रेड, ओ माय गॉड अलग अलग स्पीशीज के इसके बड़ी टॉयलेट मॉन्स्टर्स हैं। और भाई साहब ये क्या है इतना बड़ा, ओ माय गॉड गाइस। अरे मुझे बाहर निकालो वरना सबको खा जाऊंगा, ओ माय गॉड गाइस। शुक्र है ये सब के सब अंदर हैं यार, वैसे इतना बड़ा हुआ कैसे होगा। खैर मुझे क्या। हाँ तो दोस्तों यहाँ पर पहला वाला स्किबरी टॉयलेट कौन सा ये था गाइस? ये मेरे को धमकी दे रहा था ना। हाँ मैं ही तुझे दे रहा था और अब तेरे को खा जाऊंगा। अरे बचाओ कोई प्लीज वीडियो लाइक करो जल्दी से, चैनल सब्सक्राइब, ये मेरे को खा जाएगा। अरे खा गया, अब मेरा साइज बढ़ जाएगा, क्या बात है। अरे इसका खून काफी स्वादिष्ट था, मजा ही आ गया। अरे बाप रे बच्चा उसकी भी टॉयलेट मॉन्स्टर निकल के भाग रहा है। अरे भाई एक टॉयलेट मॉन्स्टर भाग गया। अरे उस इंसान को मैं खा गया और मैं चला गया, अब शहर में तबाही मचा दूंगा, तबाही मजा ही आ गया। अरे बाप रे कोई है, कोई प्लीज मुझे बचाओ। ये क्या, ये कहां पर आ गया मैं? एक मिनट मैं तो एक ब्लू कमोड के अंदर बंद हो चुका हूँ। अरे बाप रे मैं कोई टॉयलेट ह्यूमन बन गया हूँ या मॉन्स्टर बन गया हूँ? ओ नो दोस्तों, हेलो मैम सर प्लीज मुझे बचाओ। अरे बाप रे ये तो यूनिक टाइप का कोई ब्लू टॉयलेट मॉन्स्टर लगता है। मैं कोई टॉयलेट मॉन्स्टर नहीं हूँ, मैं फ्रैंकलिन हूँ, आप प्लीज मेरी बात पर यकीन करो। मैं इस जाल से बाहर निकलता हूँ। एक मिनट ये क्या हो रहा है, भागना पड़ेगा, गोली मारो। अरे नहीं गाइस मुझे भागना होगा, ये लोग जिंदगी भर मुझे पकड़ के रखेंगे और टॉर्चर करेंगे, मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। प्लीज गाइस कोई वीडियो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब, मुझे क्यों मार रहे हो? अबे चुपचाप चल वरना गोली से उड़ा दूंगा तेरे को, चल चुपचाप यहाँ पे। नहीं प्लीज छोड़ दो मुझे ऑफिसर, इसमें मेरी क्या गलती, मुझे उस बड़े से नहीं छोटे से टॉयलेट मॉन्स्टर खा के खुद का साइज बड़ा कर लिया और मुझे ब्लू टॉयलेट मॉन्स्टर बना दिया। ये लोग मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे हैं दोस्तों, प्लीज कमेंट में असली को इनको बताओ कि मैं स्किबिडी टॉयलेट मॉन्स्टर नहीं हूँ, मैं फ्रैंकलिन हूँ। मजा ही आ गया। अरे बाप रे गाइस सिंचन बिनचन भी तो आने वाले थे यहाँ पर टॉयलेट मॉन्स्टर देखने, वो कहाँ पर है? जब वो आएंगे दोस्तों मैं यहाँ से उनको बताऊंगा सारी सिचुएशन और वो मुझे जरूर बचा के ले जाएंगे, फिर डॉक्टर स्ट्रेंज और एवेंजर्स मिलके मेरी इस बीमारी को ठीक कर देंगे। कोई तो प्लीज मेरे को बचा लो। बाप रे ये फ्रैंकलिन भैया कहाँ रह गए? उन्होंने जो कहा था वो पहुंच चुके हैं। ये क्या लाल वाला स्किबिडी टॉयलेट मॉन्स्टर? अरे देख देख पिंजन देख चौम देख, बाबा चल दूर रहे इन लोगों से, बहुत खतरनाक है। अरे वाह, अरे ब्लू वाले स्किबिडी टॉयलेट मॉन्स्टर। और सिंचन पिंचन तुम लोग आगे। ये तो फ्रैंकलिन भैया जैसी बोली है इसकी। अरे यार फ्रैंकलिन भैया जैसी बोली नहीं है, मैं तुम्हारा फ्रैंकलिन ही हूँ। अरे अरे चलो चलो सिंचन पिंचन जरा इसको देखते हैं ये कैसा है। एक काम करता हूँ जाल तोड़ के देखता हूँ कि असल में ये दिखता कैसा है। ओ वाह क्या बात है सिंचन पिंचन चौम, तुम लोग मेरे को बचाने आए हो। अरे तू है कौन, हम तुझे क्यों बचाएंगे? खैर ये लोग मुझे बिलीव नहीं कर रहे हैं, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। अबे बच्चों क्या कर दिया, अरे टॉयलेट मॉन्स्टर को भगा दिया। अरे बाप रे अब तो शहर में तबाही मच जाएगी, कोई मुझे बाहर निकालो। अरे बाप रे जिसको देखो गाइस बाहर भागने की कोशिश कर रहा है। खैर मैं तो बच गया। नहीं क्या न्यूज पर क्या चल रहा है? अरे बाप रे ब्रेकिंग न्यूज, एक बड़ा सा स्किबिडी टॉयलेट मॉन्स्टर शहर में आके तबाही मचा रहा है और उसने शहर के सिविलियंस को अपना खाना समझ कर एक जाल में बंद कर लिया है, वो सबको खा जाएगा, कोई प्लीज इस कहर से हमें बचाओ। ओ नो यार मेरी वजह से सब बिगड़ गया, शहर में वापस से यहाँ पर शांति हो गई थी। ओ माय गॉड ये तो गाइस सबसे बड़ा वाला गोल्डन स्किबिडी टॉयलेट मॉन्स्टर है यार, ये क्या तुम इंसान अब नहीं बचने वाले, मैं तुम सबको खा जाऊंगा। अरे भाई हमको बचाओ, अरे हमको बचाओ कोई, अरे बाप रे हमको कोई बचाओ, हमको बचाइए। ओ माय गॉड गाइस मुझे इस गोल्डन स्किबिडी टॉयलेट की बैंड बजानी होगी, लेकिन ये बहुत बड़ा आइडिया, मैं इसको तो नहीं पीट सकता, लेकिन गाइस मैं एक काम जरूर कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर सिविलियंस को भगा सकता हूँ। अरे भाई ये कैसा टॉयलेट मॉन्स्टर है? गाइस मैं टॉयलेट मॉन्स्टर नहीं हूँ, तुम्हारा फ्रैंकलिन हूँ, डोंट वरी मैं तुम सबको बचा लूंगा। ओए तू कौन है अबे,
तू मेरा साथ देने की जगह उनको भगा रहा है, रुक तुझे बताता हूँ, चल। अरे बाप रे, मैं भगा नहीं रहा था, वो तो मैं तो बस खाने की कोशिश कर रहा था। झूठ बोलता है तो झूठ। अरे बाप रे गाइस, मेरा झूठ पकड़ा गया, चांद से मार दूंगा तुझे। कीड़े कहाँ गया, दिखता क्यों नहीं है? शुक्र है मैं छोटा सा हूँ, मेरे को वो देख नहीं पाया, वरना लिटरली मैं एक बार में चबा जाता, डकार भी नहीं लेता। गाइस मुझे कुछ और तरीका ढूंढना होगा। ये क्या, अरे बाप रे, यहाँ पर दो लोग अंकल जी को पीट रहे हैं, मेरे को बचाओ, यहाँ मेरे को मार रहे हैं। बुड्ढे चुपचाप यहाँ पर पैसा निकाल, तेरी बेटी की शादी नहीं होगी, वो पैसा हमें दे। ओ अच्छा, बेचारे अंकल को परेशान कर रहे हो, ये लो अब तुम्हें खाऊंगा मैं बेटा, तुम्हें खा खा कर अपना साइज बढ़ाऊंगा। गाइस जिस तरह से उस व्हाइट स्किपी टॉयलेट मॉन्स्टर ने मुझे खा कर अपना साइज बढ़ाया, अरे भाई कहा गया, अच्छा बहुत बुरा कहा गया। अरे वाह बच्चे, कमाल कर दिया। वाह, ओह माय गॉड, ये क्या गाइस, देखा आप लोगों ने, मैं 100 से बड़ा हो गया ना। गाइस एक काम करते हैं, अब जल्दी से जाते हैं और इस गोल्डन टॉयलेट मॉन्स्टर को हराते हैं। अंकल जी आप अपना ख्याल रखना। बिल्कुल मेरे बच्चे। ऑलराइट गाइस, अब तो यहाँ पर मैं स्विंग भी कर सकता हूँ, क्या बात है, वो एक गोल्डन, मैं तेरी बैंड बजा दूंगा, ये ले आ जा लड़ मुझसे। अबे ये कीड़ा क्या कर रहा है, आइडिया गाइस, यहाँ एक हेलीकॉप्टर रखा है, क्यों इस हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट कर दूं। अरे चला दिया, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। क्या बात है गाइस, हमने यहाँ पर गोल्डन वाले स्किबिलिटी टॉयलेट मॉन्स्टर की बैंड बजा दी। बच्चे गाने तू, बच्चे तुझे जान से मार दूंगा। ऑल राइट दोस्तों, यहाँ पर जितने भी सिविलियंस थे हमने उनको बचा लिया। अरे वाह भाई वाह वाह वाह, क्या बात है, यहाँ पर गोल्डन स्किबिलिटी टॉयलेट तूने पकड़वा दिया। भाई तू कौन है, ओए ऐसा तो कोई मॉन्स्टर काम कर ही नहीं सकता। मैं इंसान हूँ और मैं बहुत जल्द जायंट ब्लू स्किबिलिटी टॉयलेट बनूंगा। हैं ये क्या, अरे मैं बर्बाद हो गया, ऐसा हो भी कैसे सकता था। अरे क्या हो गया टोरी, अबे तू 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 कौन है? मैं फ्रैंकलिन हूँ, हालांकि मैं ब्लू स्किबिलिटी टॉयलेट बन गया हूँ। अरे भाई असल में एक रेड स्किबिलिटी टॉयलेट मॉन्स्टर मेरे अवेंजर्स का लीडर बन चुका है, उन्होंने लिटरली में मुझे बाहर निकाल दिया। व्हाट, मुझे यकीन नहीं हो रहा, स्टार्क को बाहर निकालकर अवेंजर्स ने अपना लीडर इस बेकार से रेड स्किबिलिटी टॉयलेट मॉन्स्टर को बना दिया। ओए मैंने तुझसे बोला था ना मैं तुझे मार दूंगा, और ये तो वही इंसान है अब हल्का और सारे लोगों का लीडर हमारा रेड स्किबिलिटी टॉयलेट मॉन्स्टर होगा। ये हमारी दुनिया को एक नई राह दिखाएगा, सबको इमोर्टल और ताकतवर बनाएगा। नहीं गाइस, ये रात को तुम सबको खा जाएगा, तुम मेरी बात मानो, टोनी तुम्हारा असली लीडर है। अबे निकल यहाँ से, तू कौन है, हट यहाँ से सस्ती कॉपी। अरे बाप रे, हल्क मेरे को क्यों मार रहे हैं, मैं तो यहाँ पर तुम्हारे भले के लिए आया था। हल्क फोड़ेगा, कहीं का नहीं छोड़ेगा। अरे बाप रे गाइस, ये क्या होने लग गया एग्जॉस्ट से, यहाँ पर देखिए एग्जॉस्ट से मौसम चेंज होने लग गया और रात हो चुकी है। लगता है दोस्तों अब ये रेड स्किबिलिटी टॉयलेट मॉन्स्टर अपनी चाल चलेगा। क्या बात है, मैंने इन सब का उल्लू बना दिया, अब समय आ गया है उस गोल्डन स्किबिलिटी टॉयलेट मॉन्स्टर से भी बड़ा होने का। उसके लिए मुझे टोनी स्टार्क का स्पेशल एलिमेंटल एक्ट चाहिए, जिसके इस्तेमाल से मैं अपना साइज बढ़ा लूंगा, और सिर्फ अवेंजर्स तो क्या, पूरे लॉस सेंटोस को खा जाऊंगा मैं। अरे बाप रे यार, ये रेड स्किबिलिटी टॉयलेट मॉन्स्टर क्या कर रहा है, ओ माय गॉड, ये कंडे को फोड़ने जा रहा है गाइस, ये बहुत गलत है। क्या बात है, ये तो खतरनाक धुआं है, इसके अंदर जल्दी जाता हूँ, क्या बात है, अब मेरा साइज बढ़ने ही वाला है। नहीं 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 नहीं, अरे ऊपर वाले प्लीज हमें बचा ले, ये क्या, और इतना बड़ा हो गया और एक साथ से दिन में हो गया। अब समय आ गया है सबकी मौत का, सब मेरे गुलाम होंगे। अरे बाप रे, बचाइए, ये कौन हैवान है? अरे वही हैवान है जिसको तुम यहाँ पर भगवान का दर्जा दे रहे थे, बेवकूफो। गाइस अवेंजर्स भी एकदम पागल बन जाते हैं। खैर दोस्तों, मेरे पास एक आइडिया है, मैंने काम करता हूँ, जिस खतरनाक चीज से इस रेड स्किबिलिटी मॉन्स्टर ने अपना साइज बढ़ा रहा है, मैं भी अपना साइज उसी खतरनाक चीज से बढ़ाता हूँ, जो कि टोनी स्टार्क के लैब में, नहीं लैब नहीं था, वो रिसर्च रूम था, वहां पर गाइस लिटरली में टोनी स्टार्क बहुत महंगे महंगे वेपन्स और रेयर वेपन्स लगता है। ऑल राइट गाइस, अब ये जो खतरनाक एलिमेंटल है मेरे साइज को बढ़ाएगा, क्या बात है, मेरा साइज यहाँ पे बढ़ रहा है। ऑल राइट गाइस, मेरा साइज यहाँ पे 7 लाख प्लस हो चुका है, और ये कर रहा बाप रे, अब मैं तुझे छोड़ने नहीं वाला हूँ, मेरे प्यारे एवेंजर्स को छोड़ दे रेड स्किबिलिटी मॉन्स्टर, मैं तुझे जान से मार दूंगा, गोल्डन स्किबिलिटी टॉयलेट मॉन्स्टर को बताऊंगा कि तूने मेरे साथ क्या किया है, जा बता देना, मैं उससे भी नहीं डरता, मैं उसकी ऑलरेडी बैंड बजा के आ रहा हूं। ऑल राइट गाइस, हमने यहां पर जितने भी एवेंजर्स थे उनकी दोस्ती रिश्ते को और दुनिया को फिर से बचा लिया। अरे वाह कमाल कर दिया तूने यार फ्रैंकलिन, तू तो कमाल है। बिल्कुल, हल्क को लगा ही नहीं था तू कमाल भी कर पाएगा। ऑल राइट गाइस, अब चलो जल्दी चलते हैं और देखते हैं कि यार ये सिंचन मिंचन चौक कहां पर है, मेरे को साइज अभी भी अपना यार 2 करोड़ प्लस करना है। एक मिनट दोस्तों, इतना सन्नाटा क्यों है शहर में, न्यूज चेक करते हैं। अरे बाप रे, ब्रेकिंग न्यूज, शहर के सारे लोगों को, बड़े बूढ़े बच्चों जानवरों को रेड स्किबिलिटी टॉयलेट ने और साथ साथ में व्हाइट स्किबिलिटी टॉयलेट और गोल्डन स्किबिलिटी टॉयलेट ने
ट्रैप कर लिया है। नहीं ये क्या गाइस, ये सारे के सारे स्किबिडी टॉयलेट मॉन्स्टर सुधरेंगे नहीं, इन्होंने पूरे लॉस सैंटोस की पब्लिक को, जानवरों को, बच्चों को, सबको किडनैप कर रखा है। ओह माय गॉड गाइस, देखिए यहाँ पर तुम्हें हमारी गुलामी करनी होगी। अरे बिल्कुल गुलामी करनी होगी गाइस, देखिए इसको मैंने पीटा था और ये छोटा होकर यहाँ पर आ चुका है और ये सारे लोगों को इसने किडनैप करवा दिया है। बॉस मैं बोल रहा हूँ, वो फ्रैंकलिन नाम का इंसान जो कि ब्लू स्किबिडी टॉयलेट है कभी भी आता होगा। कोई बात नहीं है, उसको मैं दोबारा मार दूंगा। गाइस आपको याद होगा इस व्हाइट स्किबिडी टॉयलेट ने सिंचन, अरे बाप रे मेरा भाई सिंचन पिंचन, एक मिनट अगर ये लोग यहाँ तो चौपी होगा। वाह भाई साहब कलवा कहा गया हमारा, मॉम को मरना नहीं अभी। फ्रैंकलिन भैया बचाइए। तू यहाँ क्या कर रहा है, मैं तुझे जान से मार दूंगा। अरे बाप रे ये क्या, ये गोल्डन स्किबिडी टॉयलेट मेरे को देख लिया, तूने मुझे बहुत बुरी तरह से चलाया था ना लॉस सैंटोस में, देख मैंने तेरा क्या हाल किया। गाइस मैं उसको इतनी आसानी से नहीं हरा सकता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, अपनी फैमिली को और पूरे लॉस सैंटोस को कैसे बचाऊं। मूंछों की कसम, माना गया है ये अंडा किसी भी कीड़े जैसे इंसान को या मच्छर को शेर में बदल सकता है। गाइस ये तो टोनी स्टार्क के जैसा दिखने वाला एलिमेंट है। आइडिया, इस रेडल को पहले पीटते हैं। मूंछों की कसम मारा। गाइस अगर मैं यहाँ पर इनसे अकेला लड़ने गया तो ये तीनों मिलकर मुझे मार सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर मैं इनको अलग अलग करके हराया तो मैं इनको हरा सकता हूँ। आइडिया, इस एलिमेंटल एग का लालच हम उस बड़े वाले गोल्डन एंड बड़ा वाला जो व्हाइट स्किबिडी टॉयलेट मॉन्स्टर है इनको देते हैं। ओए हेलो, मेरे पास एक ऐसा एलिमेंटल एग है जिससे तुम्हारा साइज बढ़ सकता है। अरे बॉस ये सही करा, ले लो इससे। ऐसी बात है, ए मेरे स्पाइडर मेरे को दे दे। अरे मैं स्पाइडर नहीं हूं, मैं स्किबिडी टॉयलेट मॉन्स्टर हूं। अभी रुक बेटा, आ जा मेरे पीछे। ऑलराइट गाइस, मैं इसको काफी दूर लेकर आ गया हूं, अब समय आ गया है इसकी बैंड बजाने का। रुक बेटा तेरे को अभी बताऊं, ये ले। अरे बाप रे मारता है वो भी इतना बड़ा। देखिए गाइस यहां पर मैंने गोल्डन स्किबिडी टॉयलेट मॉन्स्टर का क्या ही हाल कर दिया है, मजा ही आ गया। अब बचाइए, तू मुझे नहीं हरा पाएगा, शायद तू भूल गया है मैंने तेरी बैंड बजा रखी है ऑलरेडी। अरे हाँ गाइस एक मिनट, मैं तो सोच रहा था गोल्डन स्किबिडी टॉयलेट ज्यादा मॉन्स्टर है, मतलब यार उससे ज्यादा तकड़ा तो ये निकला। अब बेटा रुक, तेरे साथ क्या करता हूँ। गाइस मेरे पास एक और आइडिया है, अगर मुझे, अरे बाप रे, इस व्हाइट स्किबिडी टॉयलेट मॉन्स्टर को हराना है तो शायद मुझे उस अंडे की ताकत का इस्तेमाल करना होगा। गाइस यही एलिमेंटल एग है जिसने मेरा साइज इतना बढ़ाया था और यही मेरा साइज और भी ज्यादा 3-4 गुना कर सकता है। ऑलराइट गाइस लुक एट मी, मेरा जो साइज मीटर है वो बढ़ता जा रहा है। क्या बात है गाइस, मैं कितना बड़ा हो गया। चलो दोस्तों अब अपनी फैमिली को बचाने का समय आ गया। अरे वाह ये तो शायद हमारे फ्रेंकी भैया है। वाह भाई साहब ये तो कलवा उड़ पा रहा है। अरे बाप रे ये क्या, ये तो इतना ताकतवर कैसे हो गया। वो तो मैं तेरे को बताऊंगा, ये ले। अरे नहीं मैं ज्यादा खतरनाक स्किबिडी टॉयलेट मॉन्स्टर हूं, मैं तेरी बैंड बजा दूंगा। बैंड तो मैं तेरी बजा रहा हूं। अरे कितना बुरा मार रहा है, अरे छोड़ मेरे को। ऑलराइट गाइस यहां पर देखिए हमने इस बेकार से स्किबिडी टॉयलेट मॉन्स्टर की अच्छी खासी बैंड बजा रखी है। अरे नहीं मार दिया मेरे को बुरा वाला, तू बचेगा नहीं। दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोग हमने बचा लिया। अरे फ्रैंकी भैया आपने तो कमाल कर दिया, आपने हम सबको बचा लिया, क्या सच में आप हमारे फ्रैंकी भैया ही है? ये तो फ्रैंकी भैया बिल्कुल नहीं लग रहे। वाह भाई साहब ये तो मेरा को भी नहीं लग रहा, लेकिन एक मिनट यार अभी मेरा साइज पूरा फुल नहीं हुआ है, काम करता हूँ इसको पहले खा लेता हूँ। ऑल राइट देखो सिंचन पिंचन चाचा, अब जो मेरा साइज है वो पूरी तरह से फुल होने वाला है। ये देखो। अरे वाह फ्रैंकी भैया आप तो कितने ज्यादा जायंट विशाल और खतरनाक लग रहे हैं। गाइस अब तो लिटरली मैं भाई मैं आसमान को टच करने जितना हो रहा हूँ। चलो दोस्तों एक काम करते हैं, एवेंजर्स के पास जाते हैं और जाकर अपनी इनको ये फॉर्म दिखाते हैं। और हाँ तब तक आपको स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहे हैं वो भी देख लीजिए, बहुत ज्यादा मजा आएगा। थैंक यू सो मच।